जयंत किसान साथियों, पीके ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, यदि आप कोई भी पौधा अपने यहाँ लगाए हैं और आपके पौधे की पत्तियाँ डिहाइड्रेशन की वजह से पीली हो रही हुई, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप उसे घर पर ही एक ऐसा घरेलू उत्पाद तैयार कीजिएगा जिससे आपके पौधे में अप्लाई करने के बाद आपके पौधे की पत्तियाँ ना बिल्कुल हरी हो जाएगी। किसान साथियों, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए किसान साथियों, मैं आया हूँ अपने पौधे के पास और वीडियो में आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग मेरे पौधे को अब ध्यान से नहीं रखिए, पत्ते का जो छिद्र होता है, जो बारीक बारीक सा, उसमें आपको कुछ दिख रहा होगा पीला पीला टाइप का, और इसमें जो पत्तियों का जो मुख सिराएँ होते हैं वे कुछ ज़्यादा हरापन लिए हुए हैं, लेकिन जो सिराओं के अतिरिक्त जो पत्तियों में एक्स्ट्रा भाग होते हैं उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पत्तियाँ बूंद बूंद करके पीलापन पीलापन जैसा धारण किए हुए हैं। पौधे में पत्तियाँ पीले होने का बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन की कमी। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, तो उसमें होता क्या है, जब नाइट्रोजन कमी होता है या तो फिर आपने अपने पौधों को पानी देना बहुत दिन से छोड़ दिया है, मतलब ज़्यादा ड्राई हुआ है आपके पौधे के नीचे, तो आपके पौधे की जो नीचे वाली पत्तियाँ हैं वहाँ से सूखना या तो फिर वहाँ से पीला होना स्टार्ट होता है। लेकिन आप मेरे पौधे में देख सकते हैं नीचे की पत्तियाँ बिल्कुल स्वस्थ हैं, और जो ऊपर की जो नए नए पत्तियाँ निकलने वाली हैं साथियों, उसमें देखिए पीलापन का अंश आपको बहुत अधिक दिखाई दे रहा होगा। लेकिन नीचे वाले पत्तियों की हम बात करेंगे तो नीचे की पत्ती आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीका से ठीक ठाक है। जो नए नए पत्ते निकले हैं मात्र उन सब में पीलापन का अंश को दिखाई दे रहा होगा। तो किसान साथियों, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आपके पौधे में क्रिएट हो, समझिएगा आपके पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो चुका है। जैसा कि आप लोग पौधे में देख रहे हैं अभी इस तरह से पीलापन, यही सेम पीलापन तब होता है जब पौधे में अधिक पानी दिया जाता है। किसान साथियों, तो आपको इस बात को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको खुद पता होगा कि आपने अपने पौधों को कितना पानी दिया है। हमने इस पौधे को ज़्यादा पानी नहीं दिया है, तो मुझे साफ पता है कि ये पानी की वजह, ज़्यादा पानी देने की वजह से नहीं, इसमें न्यूट्रिशन की कमी की वजह से इनके पत्ते पीले हुए हैं। तो किसान साथियों, इसमें हमने कुछ फर्टिलाइज़र दिया था जिसे हमने घर पर तैयार किया था ओरिजिनल वेस्टी कंपोजर के माध्यम से, तो उसके देने के बाद किसान साथियों 7 दिन के बाद का अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद उसे देखने के बाद मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि आपको क्या करना है, कैसे तैयार करना है उस फर्टिलाइज़र को और कितना मात्रा में अपने पौधे को देना है। साथियों, तो किसान साथियों आप देख सकते हैं 7 दिन के बाद का अपडेट, जब हमने इसमें फर्टिलाइज़र दिया था, और उसके 7 दिन का पीछे का अपडेट मैं आपको देखिए पौधा को दिखा रहा हूँ। इसमें आप पौधे की कंडीशन को आप देख सकते हैं और खूब बढ़िया से दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं साथियों, कि पत्तियाँ पहले से कैसे थी और फर्टिलाइज़र देने के 7 दिन के बाद पत्तियों में क्या आपको चेंजेस दिखाई दिए। पौधा आपको वही है साथियों, बगल का जो 2 शाखाएँ थे उसे हमने रिमूव कर दिया है, क्योंकि वो नीचे था और भविष्य में हमें कभी ना कभी उसे रिमूव करना पड़ता है इसकी वजह से। तो किसान साथियों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि वह कौन से फर्टिलाइज़र है जिन्हें देने के बाद आपके पौधों में इस तरह से आपको चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। तो साथियों, हमारे पास ओरिजिनल वेस्टी कंपोजर है, और ओरिजिनल वेस्टी कंपोजर में हमने जो गाय के कंडे होते हैं, यानी कि जो गोबर होता है, गोबर को सूखने के बाद जो अवस्था बचता है उसे हम लोग कंडे कहते हैं, अपने भाषा में हम लोग चिपरी बोलते हैं। तो उसे क्या करना है, आपको ओरिजिनल वेस्टी कंपोजर का जो पुराना घोल होगा 15 दिन से ज़्यादा तैयार किए हुए हो गया होगा, उसमें आपको डुबो करके रखना है 7 दिन के बाद, या फिर उससे अधिक दिन भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 7 दिन रखना है। उसके बाद उसका जो एक्सट्रैक्ट निकल रहा है साथियों, उसे आप 5% के हिसाब से लेकर के अपने पौधे में डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं किसान साथियों, हमने एक बाल्टी पानी लिया है और उसमें जो गाय के कंडे का जो एक्सट्रैक्ट निकाला था ओरिजिनल वेस्टी कंपोजर के माध्यम से, उसी का रस को हमने 300 ml के आसपास लिया है और इस बाल्टी में डाल दिया, और साथ में साथियों विभिन्न प्रकार के 10-12 वैरायटी के पेड़ पौधे की पत्तियों को हमने ओरिजिनल वेस्टी कंपोजर में डुबो करके रखा है। साथ में उसमें लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, जिंक इत्यादि सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमने उसमें मिला करके रखा है। उसके बाद साथियों, उसका भी 300 ml हमने इसी बाल्टी में डाल दिया था। कहने का मतलब है कि गाय के कंडों का जो एक्सट्रैक्ट निकला था उसको, और विभिन्न प्रकार के पत्ते और सूक्ष्म पोषक तत्व बनाने के लिए जो हमने छोड़ा था उसका एक्सट्रैक्ट 300 ml दोनों को मिला करके अपने पौधों को अप्लाई किया। उसके बाद का रिजल्ट आप देख सकते हैं साथियों, 7 दिन के अंदर पौधे में कितने ज़्यादा चेंजेस आ गया है किसान साथियों। चलिए किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो दी आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और हॉट क्लाइमेट एप्पल से जुड़ी जानकारी पाने तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल वाले घंटी के बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा।